सीएम का फेस है वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, एक चेहरा लेके सामने आएंगे। आप पुरजोर समर्थन में वसुंधरा राजे के? हाँ, मुझे ये लगता है कि भाई हाँ, अब वसुंधरा जी को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रखेंगे। मिला हाथ मिलाना, ऊपर हाथ रखना, चुनरी ओढ़ना उड़ाना। नेताओं की वापस भारतीय जनता पार्टी में हम एंट्री देख पाएंगे? ये अब पार्टी से जुड़ गए, एक और तो कहीं जाने लगता है कि देवी सिंह भाटी की जो एंट्री है, जो वापस भारतीय जनता पार्टी में, वो थोड़ी लेट हुई है। हमारा टकराट किस बात का? आप तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। सुझाव दिया है कि हमें इश्यूज पकड़ने चाहिए, जो वर्तमान सरकार है उसको हम निश्चित तौर पर चैन से नहीं जीने दें। परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी दे के पूरे राजस्थान भर में घुमाना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस की सरकार कहती है हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं। कांग्रेस ने एक बरसों से लूट तंत्र बना दिया, उसमें तो अब लगता है कि जैसे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, जनता को न्याय दिलाएंगे, रिलीफ दिलाएंगे। नकल कराओ, एक ही गांव से 100-100 थानेदार बन जाएं, उसके परिवार से ही सारे आरएस बन जाएं, तो वो सब जनता देख रही है। अब मौका आते ही वो बटन दबाएगी और इस कांग्रेस का तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में वापस आप आए, मन में क्या भावना थी? मैं भावना देखी, मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, मैंने कहा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा जिसने देश के टुकड़े करवा दिए। मेरा परिवार है उसमें, ठीक है मैं आज कल आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। नीति में ऐसे नेता छुट्टी पे जाते नहीं किसी पार्टी से? वो छुट्टी एक अलग होती है। था पूरा मंच आपने सजाया था, वसुंधरा जी के साथ मेरा अलग से जुड़ाव था। लेकिन अब आगे क्या? मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं ये तो पार्टी का निर्णय होगा। मैं बराबर संघर्ष करता रहूंगा, जब तक मेरा शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा, मैं यूं ही लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा। पार्टी से बाहर थे तब बयान आपके मीडिया में आते रहते थे क्या? तो मेरा स्वभाव है कि हस्तिनापुर की आस्था से जब बन जाते हैं तो अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। तो आपकी बातें मान ली गई हैं? मेरी मांगे और कुछ ही नहीं, जो एक तो मेरे मन बताया असहमति थी। राजस्थान में देवी सिंह भाटी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और चुनावी राजनीति हो और देवी सिंह भाटी का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पिछले 7 बार से न केवल कोलाइट सीट बल्कि राजस्थान की राजनीति में अपना दबदबा रखने वाले देवी सिंह भाटी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हो गए हैं। हमारे साथ में समय मौजूद हैं देवी सिंह भाटी जी हमारे साथ में, और इनसे चर्चा करेंगे। भाटी साहब, कल का दिन भारतीय जनता पार्टी में वापस आप आए, कैसा आपका मन में क्या भावना थी? नहीं, भावना देखिए मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कई इंटरव्यूज में, मुझे कहा गया कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो क्या? मैंने कहा मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा जिसने देश के टुकड़े करवा दिए। और हाँ ठीक है, चुनावी प्रक्रिया में कुछ एक सहमति असहमति का भाव बनता है, तो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में, इससे पहले भी मेरे कई बार हुआ कि जब हमने आरक्षण का आंदोलन शुरू किया था तब भी मुझे पार्टी से अलग होना पड़ा, और अलग अलग के मौके इस प्रकार आते हैं। तो हमने आरक्षण के लिए सामाजिक न्याय मंच का गठन किया। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि कल आया हूँ तो कुछ मैं 5 साल की छुट्टी पर चला गया था, उससे वापस लौट के आया हूँ। बाकी मैं कांग्रेस में जा नहीं सकता और बीजेपी मेरा परिवार है, क्योंकि बीकानेर जिले में 1980 से मैं चुनाव जब लड़ रहा हूँ तो उसमें बीजेपी का उस समय विरोध का पक्ष भी बहुत कमजोर होता था, कांग्रेस छाई हुई रहती थी पूरे जिले में। तो हमने लगातार संघर्ष करते करते कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की, जो आज भी मजबूती के साथ कायम है, और उसके बाद में बीजेपी का वहाँ जबरदस्त अस्तित्व हो गया। हमने पहली बार 1996 में लोकसभा का सदस्य भी, मेरा जो लड़का महेंद्र सिंह था वो भी दिया। तो मेरा परिवार है उसमें, ठीक है मैं आज कल आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा कि अब खुल के हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा 5 साल ऐसा लगा कि छुट्टी पे आया हुआ, ऐसे राजनीति में ऐसे नेता छुट्टी पे जाते नहीं किसी पार्टी, जैसा आपने? नहीं, वो छुट्टी एक अलग होती है, बाकी का जाना। पर मैं बराबर संघर्ष करता रहा हूँ, मैं पद पर नहीं हूँ 10 साल से, तब भी मैं फील्ड में एक्टिव रहता हूँ। जो सत्ताधारी और जो दूसरे विपक्ष है वो काम आम जनता के नहीं करवा सकता, जो आम समस्या होती है वो आप मिनटों में करवा देते, क्यों सही मुद्दा उठाते हैं और उसी समय सरकार और प्रशासन मान जाता है। तो इसलिए छुट्टी मेरा जाना वो वैसे हो नहीं सकता कि मैं अलग थलग होकर घर बैठ जाऊँ, घर में बैठ नहीं सकता। जब तक मेरा शरीर काम करेगा, दिमाग काम करेगा, मैं यूं ही लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, मरता रहूँगा। लेकिन एक साल पहले भी कोशिश हुई थी अक्टूबर में, जब आपकी वसुंधरा राजे की बीकानेर में कार्यक्रम हुआ था, पूरा मंच आपने सजाया था, ये था कि देवी सिंह भाटी हैं वो उनको शामिल किया जाएगा, फिर 1 साल पूरी लंबी प्रक्रिया चली।
ना 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 देखिए वसुंधरा जी के साथ मेरा अलग से जुड़ाव था, तो मैं पार्टी में नहीं था, फिर भी जहां भी उनके पूर्व में भी जहां कार्यक्रम होते थे तो मैं जाता था, हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शामिल होते थे। और उस समय कोई ऐसी चर्चा जरूर ये कहीं मीडिया से निकल के आई कि भाई मुझे पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि जो सीनियर लीडर हैं वसुंधरा जी हैं, इन्होंने मुझे जरूर कहा कि आपको पार्टी में मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए, तो मैंने कारण बताए, पर फिर भी उन्होंने कहा जब ठीक है। मैंने कहा मैंने ना तो अभी तक कभी आवेदन किया था उस समय, ना कहीं चर्चा की, पार्टी के वरिष्ठ जनों का कहना था और अब पार्टी ने उचित समझा है तो मुझे इसमें शामिल कर दिया। लेकिन जिन पार्टी कुछ आपने कहा कि पार्टी के नेताओं ने चाहा कि आप पार्टी में शामिल हों, चर्चा ये भी कि कहीं पार्टी के ऐसे नेता भी थे हैं वो ये चाहते हैं आपके बीकानेर में कि देवी सिंह भाटी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलग ही रहें तो बेहतर है। हाँ ये थे ना, डिफरेंसेस थे और हो सकता है उसके कारण से भी थोड़ा ये रुका हुआ रहा मामला। बाकी मेरे सामने ऐसा कोई बात चर्चा आई नहीं कि फलां जगह कोई असहमति जता रहा है, पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। पर अब मेरी इस मौके के ऊपर कल बात भी करा दी गई थी और मुझे अब लगा है उन्होंने विश्वास भी दिलाया पार्टी के वरिष्ठ जनों ने कि इस प्रकार से अब कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि देवी सिंह भाटी अगर चुनावी राजनीति में चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं तो ये तो तय है कि कोलायत सीट से उम्मीदवारी तो होगी ही आपकी, लेकिन इसके अलावा राजस्थान की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखिए मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं ये तो पार्टी का निर्णय होगा, क्योंकि जब पार्टी में आ गए तो मेरा स्वभाव है कि हस्तिनापुर की आस्था से जब बन जाते हैं तो अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। तो अब वो तय कर लिया है तो पार्टी जो ऐसा उचित समझेगी तो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक वर्षों से लूट तंत्र बना दिया और इस शासन में जो इस प्रदेश सरकार है इसमें इन्होंने तथाकथित सत्ता को बचाने के लिए MLA मिनिस्टर्स को छूट दे दी। अब उनको जब लूट में छूट मिल गई तो नीचे तक इतना भारी लूट मच रही है, मैं काफ़ी जिलों में घूम के आया हूँ तो उसमें तो अब लगता है कि जैसे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक राजस्थान ऐसी स्टेट है जो बड़े राजघराने रहे तो वो ऐसे गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान तो वहाँ वोट बैंक अभी तक टूटा नहीं है, तो उस वोट बैंक के सारे कांग्रेस जिंदा है। बाकी अब कांग्रेस के इस दफे तो मुझे 10 का आंकड़ा भी पार करते मुझे लगती नहीं, जिस प्रकार के उन्होंने आम जनता को रौंदा है, लूटा है, हलाल किया है, तो वो बहुत बड़ा इनको नुकसान देगा। देवी सिंह भाटी जब आप पार्टी से बाहर थे तब बयान आपके मीडिया में आते रहते थे कि अब, और ये भी था कि शायद तीसरा मोर्चा है, कुछ बनाने की तैयारी भी चल रही है, तो उन मुद्दों पे आप पहले क्या सोचते थे और अब पार्टी के अंदर आने के बाद में तो आपकी बातें मान ली गई हैं सारी जो आपकी मांगे थी? मेरी मांगे और कुछ थी नहीं, जो एक तो मेरे मन बताया असहमति थी, दूसरा हमने कहा था कि भाई मासेज की लीडर, जैसे आज के दिन कांग्रेस में भी जो मासेज में लीडर हैं तो अशोक गहलोत हैं, और एक अगर विरोध में माने जो लगातार लोगों के संपर्क में रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, उनका डायरेक्ट लोगों से मिलना जो इंटरेक्शन रहता है, मिला हाथ मिलाना, ऊपर हाथ रखना, चुनरी ओढ़ना उड़ाना, तो उससे लगता था कि लोग बहुत ज़्यादा इनके प्रति आकृष्ट हैं, उनकी कार्यशैली से जो शासन दिया, एक भाजपा शासन में बहुत बड़े योजनाएं भी लागू हुई, तो वो जो एक मैसेज की लीडर है तो वो निश्चित तौर पर एक जुड़ाव बराबर रहा है और उसका फायदा मिलेगा पार्टी को, बाकी कांग्रेस का तो अब सफाया होना है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरह से उस दिशा में चल रही थी कि हम कोई भी CM का फेस है वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और आप पुरजोर समर्थन में है वसुंधरा राजे के, अब ये जो एंट्री हुई है, मुझे बातचीत से लगा यहाँ पर कि भाई उनको भी बहुत बड़ा इसमें पार्टी में आगे सम्मान दिया जाएगा, उनकी सलाह ली जाएगी, ये मुझे लगा। किसी ने कहा नहीं कि भैया हम किसी भी स्टेट में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, इसके अंदर एक चेहरा लेके सामने आएंगे, तो वो तो मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ एक वसुंधरा जी, तो एक नीतिगत कोई बात जब तय हो गई है, पर ये जरूर है कि उनको पूरा मान सम्मान, उनको वेटेज दिया जाएगा और जहाँ भी टिकटों का वितरण होगा और उनके समर्थकों की बात होगी तो वो भी मुझे लगता है कि मानी जाएगी। आपके आने के बाद तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे, अगर कोशिश भी थी कि उनको थोड़ा नेपथ्य में रखा जाए तो अब है वो कम से कम नहीं हो पाएगा, लेकिन कई और नेता हैं केवल देवी सिंह भाटी बीकानेर और उस पूरे रीजन में, अगर हम देखें भरतपुर के अंदर भी कई नेता हैं, विजय बंसल हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से बाहर हैं,
तो आने वाले दिनों में क्या और भी नेताओं की वापस भारतीय जनता पार्टी में हम एंट्री देख पाएंगे? जी ये ऐसे लोग हैं कि ये अब पार्टी से जुड़ गए, एक और तो कहीं जाने नहीं, और इनका अपना एक सीधा जुड़ाव है, जिस प्रकार आपने नाम लिया, जैसे रणधीर सिंह भिंडर है हमारे मेवाड़ में, अजमेर में भवन सिंह पलड़ा है, रोहिता शर्मा है, तो इनको लेने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि इनके बरसों से फील्ड में आम जनता के बीच रहना, तो मुझे लगता है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब कब निर्णय लेगी तो पार्टी का निर्णय, बाकी निश्चित तौर पर उनको शामिल किया जाएगा। आपके तमाम जो समर्थक हैं वो तो जाहिर तौर पर उत्साहित होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक विश्लेषण जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि देवी सिंह भाटी की जो एंट्री है, जो वापस भारतीय जनता पार्टी में, वो थोड़ी लेट हुई है, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? ना ऐसा जब मैंने चला के कोई ऐसा कहा नहीं, किसी से मिला नहीं, मिल भी सकता था। आप तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे तो फिर पार्टी के अंदर तो हड़कंप रहता ही, हलचल रहती। हाँ, मुझे ये लगता है कि भाई हाँ, अब वसुंधरा जी को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, उनका कोई योगदान नहीं रहेगा, तब तो निश्चित तौर पर मैं उस ओर जाता, लेकिन अब मुझे जिस प्रकार से लग रहा है तो उनका पूरा पार्टिसिपेशन और जुड़ाव रहेगा और उनका पूरा महत्व रहेगा, तो इसलिए ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी अलग जाने की जरूरत पड़े। लेकिन बीकानेर के अंदर जो कद्दावर नेता हैं अर्जुन मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की राजनीति में एक फेस बन रहे हैं, उनके साथ में आपके जो अंतर्विरोध हैं वो तो सार्वजनिक रूप से सामने आते रहे हैं, उससे कैसे आप देखते हैं? हमारा वैसे तो देखिए समझने की बात है, हमारा टकराव किस बात का हमारा, मैं तो विधानसभा क्षेत्र एक अलग रहता था, बाकी जगह ऐसा था नहीं, उनको लोकसभा में रहना है, तो उसमें अब मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इस दौरान जो 5 वर्ष निकले तो समझ में आई है, तो अब बिना कारण ऐसी बात होगी नहीं जिससे कोई टकराव वापस खड़ी हो। लेकिन कोलाइट सीट की बात भी करते हैं, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है लेकिन पिछले चुनाव के अंदर आप चुनाव जीत नहीं पाए, भंवर सिंह भाटी वहां पर हैं, अब आगे कैसे देखते हैं आपकी सीट पर चुनाव का क्या? अगर इसमें जो भी आएगा, मैं आऊँ चाहे दूसरा है, इसमें जब से ये विधानसभा क्षेत्र का डिलिमिटेशन हुआ था, तो उस डिलिमिटेशन में काफ़ी ऐसे पंचायतें जुड़ गई जिससे यहाँ कोलायत में 42% SC के वोटर्स हो गए, तो वो एक वोट बैंक की राजनीति है, तो उससे निश्चित तौर पर हमारे इसमें नुकसान पहुंचा था, पर लेकिन अब जिस प्रकार से इन्होंने लूट की है उससे लोग निराश हो गए, जो इनका वोट बैंक है वो भी बहुत निराश है, बिना किसी का पैसे दिए काम नहीं, अवैध खनन में उनकी दिक्कत है, चाहे और रॉयल्टी का मसला है, तो लूट के माहौल में अब निश्चित तौर पर BJP के काफ़ी मजबूती वहाँ पर सामने आएगी। ये परिवर्तन यात्राएं अलग अलग दिशाओं से राजस्थान के अंदर निकली और उसकी सफलता को लेकर लोग हैं सवाल भी उठा रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, जो एंटी इनकम्बेंसी का एक पूरा माहौल बनना चाहिए था, शायद वो उस रूप में नतीजा नहीं बन पाया है। आपको क्या लगता है, क्या वापस वसुंधरा राजे उन्हीं को परिवर्तन यात्रा की जिम्मेदारी दे के पूरे राजस्थान भर में घुमाना चाहिए, क्या आपका सुझाव? मुझे लगता है कि अब मैंने भी सुझाव दिया है कि हमें इश्यूज पकड़ने चाहिए जिस कारण से लोग परेशान हैं, और जो वर्तमान सरकार है उसको हम निश्चित तौर पर चैन से नहीं जीने दें, मुद्दे उठाएं, और वो होगा तो लीडरशिप आगे आएगी, उनके नेतृत्व में ही लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी, तो उसमें वसुंधरा जी का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फायदा पार्टी को मिलेगा और उनको फील्ड में लाएंगे और निश्चित तौर पर दिशा बनेगी, और आने वाले समय मुझे लगता है कि सड़कों पर विपक्ष के जो हमारे आज के दिन हम विपक्ष में हैं तो आएंगे, मुद्दे उठाएंगे, जनता को न्याय दिलाएंगे, रिलीफ दिलाएंगे। और कांग्रेस की सरकार कहती है हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, योजनाएं ऐसी हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, इसकी काट क्या है? क्योंकि अभी तक कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन जिसको हम कह सकते हैं कि विपक्ष पार्टी के रूप में, वो उस रूप में नजर आया नहीं है सरकार के खिलाफ। देखिए एक 89 में जब बोफोर्स का मामला उछाला गया VP सिंह द्वारा, और कोई विशेष कारण नहीं करें, लेकिन ये था कि इसमें बहुत भारी के अब ये तो भ्रष्टाचार करने लगे और उसका इतना प्रचारित हुआ कि वो सरकार को जाना पड़ा, और इसमें भी ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसे कि इन्होंने जगह जगह जहाँ भी खुली छूट दे दी RPSC में, अब नकल कराओ, एक ही गांव से 100-100 थानेदार बन जाए, एक ही मंत्री के उसके परिवार से सारे RS बन जाए, तो वो सब जनता देख रही है, उसने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, अब मौका आते ही वो बटन दबाएगी और इस कांग्रेस का तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, इसलिए चाहे वो कितनी ये फ्री भी करे चाहे रेवड़ी बांटे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को जाना पड़ेगा। वो कह बुलाई कि हम जनता का पैसा है, सब देख रही है कि लूट मच रही है, लूटो लूटो। तो अब वो ये है कि भाई आदमी ये सोचेगा कि निश्चित तौर पर ऐसी भ्रष्ट सरकार को नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंजाब केसरी पर देवी सिंह भाटी हमारे साथ में मौजूद थे। बहुत वक्त के बाद में पार्टी के अंदर एंट्री हुई है और जिस रूप में बयान आपने सुने हैं साफ तौर पर बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर वसुंधरा राजे उनकी प्रासंगिकता है वो बढ़ने वाली है, उनकी भूमिका बढ़ने वाली है और देवी सिंह भाटी पुरजोर तरीके से पार्टी में एंट्री के बाद भी इस बात की वकालत कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे का जो कद है उसके मुताबिक उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आगे दौर में क्या कुछ होगा, पार्टी के टिकट वितरण में क्या कुछ रहेगा, देवी सिंह भाटी हैं वो कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, तमाम घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। ये इंटरव्यू कैसा आपको लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और देवी सिंह भाटी जी आपके फेसबुक पेज पर भी ये शेयर किया जाएगा तो आपके तमाम जो समर्थक हैं वो इसको देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।